तो सावन के इसी पवित्र महीने में आज सोमवार है और आज सावन का पहला सोमवार है। इसी को लेकर अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हैं जो कि पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ में राहुल मिश्रा प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, राजू शर्मा हमारे संवाददाता है मेरठ से जुड़े हुए हैं, इकरार खान हमारे संवाददाता है गाजीपुर से। सबसे पहले राहुल मिश्रा को जोड़ लेते हैं प्रयागराज से। राहुल, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में गंगा घाटों का विशेष महत्व है। आज सावन का पहला सोमवार है, गंगा घाटों से जल लेकर कांवड़िए भगवान शंकर पर चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल सावन के पहले सोमवार को देखते हुए किस तरह का माहौल, क्या शिवमय वहां पर नजर आ रहा है, कैसा माहौल है, विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बता दें कि यहाँ भोले बाबा का पावन धाम है और संगम नगरी है। संगम नगरी में गंगा यमुना सरस्वती का पावन धाम है। यहाँ पर कम से कम आपको बता दें अब तक में सारी सुरक्षा के बाद 4 से 5 लाख जो कांवरिया है और कांवरिया कांवरिया के साथ साथ आपको बता दें जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी बिल्कुल। राहुल तो सावन महीने में यहाँ पर विशेष महत्व सोमवार का होता है और आज श्रद्धालुओं का भी तांता लगातार मंदिरों के बाहर, शिवालयों के बाहर देखने को मिल रहा है और हर हर महादेव के जयकारे शिवालयों में सुनाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि सावन के इस पवित्र दिन में आज लगातार श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से पूरा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल हमारे साथ में लगातार बने, राहुल आवाज आ रही है आप तक? तो फिलहाल राहुल से हमारा संपर्क टूट गया है। इकरार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गाजीपुर से हमारे संवाददाता है। इकरार, बात करें अगर आज के इस पवित्र दिन की तो सावन का पहला सोमवार है और सोमवार के दिन का विशेष महत्व सावन के महीने में होता है, किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है मंदिरों और शिवालयों के बाहर? इकरार आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज अनम्यूट करें। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी रास्ते को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक ने रूट डायवर्जन लिखी है कि जैसे कि कांवरिया को कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। साथ में शिवालय मंदिर है, बहुत ही मंदिर को अच्छी तरह सजाया गया और मंदिर में बहुत ही भक्तों को भीड़ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर जो है वो कई जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि आज के इस दिन पर अगर बात करें मंदिरों के शिवालयों की तो लोग काफी ज्यादा पहुंचते हैं, ऐसे में क्या कुछ रूट डायवर्जन्स शहर में किए गए हैं, क्या सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग मंदिरों के बाहर प्रशासन की तैनाती है, पुलिस की तैनाती है? जी बता देना चाहता हूँ कि सुरक्षा को देखते हुए गाजीपुर जिले में रूट डायवर्जन भी किया गया, साथ में कम से कम गाजीपुर के 102 पीएससी यूनिट कंपनी के साथ साथ और जिले के पुलिस फोर्स भी तैनात है और हर एक तरह से देखेगा कि जो भी कांवरियां हैं या जो भी शिव भक्त हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, हर सुविधा उनको मुहैया कराई जाए। जी बिल्कुल, यानी सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराए जाने को लेकर यहां पर तैयारियां प्रशासन ने कर ली हैं और आज सावन के पहले सोमवार को लेकर खास उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है और ये महीना काफी महत्वपूर्ण है शिव भक्तों के लिए, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष प्रावधान है। और राजू शर्मा हमारे साथ में मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास मेरठ में, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है आज सावन का पहला सोमवार है? मेरठ में सुबह लगभग 5 बजे से ही जितने भी शिवालय हैं वहां पर श्रद्धालुओं की तमाम भीड़ उमड़ रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ भोले से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जगह जगह भारी भीड़ देखी जा रही है। अगर जिला प्रशासन की बात करें तो तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं के तहत सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पुलिस लगाई गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, खुद पुलिसकर्मी सिविल वर्दी में जगह जगह तैनात है। अगर कावड़ियों की बात करें तो मेरठ के गंग नहर हाईवे पर भारी संख्या में कांवड़िया उमड़ रहे हैं और अपने बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए कांवड़ लेकर अपने निजी जिले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जी गरिमा, बिल्कुल, देखिए सावन का महीना और सावन महीने का पहला सोमवार, महिलाएं भी बड़ी संख्या में भगवान शंकर के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचती हैं क्योंकि ये दिन विशेष महत्व रखता है शिव की आराधना के लिए। क्या महिलाओं का भी तांता जो है वो श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ पर देखने को मिला है मंदिरों और शिवालयों में?
बिल्कुल सही कहा कि जो महिलाएं हैं वो सबसे अधिक मेरठ में भी पहुंच रही है। सर्वाधिक संख्या अगर श्रद्धालुओं में है वो महिलाओं की और युवतियों की है, क्योंकि माना जाता है कि महिलाएं और या युवतियां अगर बाबा भोलेनाथ का सावन में जो है उपवास रखती है और हर सोमवार जला अभिषेक जो है शिवालयों में आकर करती है, तो उनकी जो मनोकामना होती है वो बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं। और माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ ही सभी देवी देवताओं में एक ऐसे देवता है जो मात्र जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामना सुन लेते हैं। जी गरीबों, बिल्कुल, यानी भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालु जो है वो नजर आ रहे हैं। लगातार मंदिरों के बाहर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है और सावन महीने का पहला सोमवार आज है। आज के दिन गंगा में स्नान भी करने के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पर पहुंचने की बात सामने आ रही है। और कई त्योहार सावन के महीने में मनाए जाते हैं। सावन का महीना अत्यंत प्रिय है भगवान शंकर को और सावन के महीने के सोमवार आज यानी कि सावन का पहला सोमवार है, जिसमें लगातार श्रद्धालु जो है वो मंदिरों में शिवालयों में पहुंच रहे हैं और दर्शन करने के लिए बाबा शंकर की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए लगातार शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी लगातार मौजूद हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में राहुल मिश्रा हैं प्रयागराज से। राहुल, आवाज पहुंच रही है आप तक? राहुल के साथ साथ हमारे साथ में इकरार खान और राजू शर्मा भी मौजूद हैं, तो इकरार के पास वापस चलते हैं। इकरार, फिलहाल और क्या जानकारी है, क्योंकि आज के इस दिन को लेकर विशेष महत्व माना जाता है, गंगा स्नान का भी विशेष महत्व माना जाता है, तो क्या जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए भी पहुंच रहे हैं? जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि कल ही से श्रद्धालु जो गंगा के डुबकी में डुबकी लगाने के बाद फिर जल लेते हैं, जल लेने के बाद फिर जाके बाबा भोलेनाथ को जल का चढ़ावा करते हैं। साथ में बता दूं कि जिला के गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक रोहन को बोतरे ने भी सुबह जाके बाबा भोलेनाथ का दर्शन और पूजन किया। साथ में लोगों को ये भी बताया कि आप के लिए हर सुविधा उपलब्ध है, किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने खुशी दिल से आइए और पूजा करिए। इसमें कोई भी अवधान होती है तो डायरेक्ट हमसे आप संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए हमारी पूरी टीम अच्छे से जिले में लगी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ में मेरठ से राजू भी मौजूद हैं, राजू शर्मा। राजू, कांवड़िए मेरठ में बड़ी संख्या में हैं और कांवड़ यात्रा में बहुत हिस्सा लेते हैं। 2 सालों से कांवड़ यात्रा पर रोक थी, लेकिन अब कोरोना जब नहीं है, कोरोना के बाद कांवड़ यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई है, तो कांवड़ियों में कितना उत्साह देखने को मिला है और साथ ही साथ प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम क्या कुछ किए हैं, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए गरिमा, बिल्कुल मैं बता दूं कि अगर मेरठ जिले की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारी संख्या में कांवड़िया पहुंच रहे हैं। पूरा जो गंगानगर का गंग नहर का मार्ग है, वहां पर सिर्फ एक ही रंग दिखाई दे रहा है, वो केसरिया रंग है और कांवड़ियों के हाथ में कांवड़ है और जल लेकर वो अपने जिलों की ओर प्रस्थान करने के लिए जा रहे हैं। और खुद मेरठ के जिले के तमाम आला अधिकारी हर घंटे मेरठ के जो कांवड़ मार्ग है उनका निरीक्षण कर रहे हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। खुद मेरठ के जो जिलाधिकारी है दीपक मीणा, उनके द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित विकास भवन में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहां पर 10 फोन सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं कि अगर किसी भी कांवड़ियों को किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। खुद जिले के जिला अधिकारी पूरे कंट्रोल रूम का जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मात्र 10 से या 20 मिनट के अंदर अंदर कांवड़िए की समस्या का समाधान कराना जिला प्रशासन का लक्ष्य है। साथ ही अगर मेरठ जिले की अन्य बात करें तो सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ चाहे वो बिजली आपूर्ति हो, जल आपूर्ति हो और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं है वो मेरठ प्रशासन ने चाक चौबंद कर रखी है। जगह जगह सिर्फ अगर एक ही चीज दिखाई दे रही है, जय भोले बाबा बम भोले की, सिर्फ यही जयकारे जगह जगह आज सुबह लगभग 5 बजे से सुनाई दे रहे हैं। मेरठ के जितने भी शिव मंदिर है, शिवालय है, सिर्फ वहां पर एक ही आवाज सुनाई दे रही है, बम भोले की हर हर महादेव। जी गरीब, बिल्कुल, यानी भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना का महत्व है और लगातार श्रद्धालु आज के इस दिन पर पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन यहाँ पर कई त्योहार मनाए जाने की बात सामने आई और सावन का महीना देखिए अत्यंत प्रिय है भगवान भोलेनाथ को, ये खुद भगवान भोलेनाथ ने कहा है और ये पूरा महीना माता पार्वती और भगवान शंकर को समर्पित बताया जाता है। राजू, तो इस महीने में न सिर्फ सावन के सोमवार बल्कि हर एक दिन पर शिवालयों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, इस लिहाज से क्या
शिवालयों के बाहर प्रशासन की तैनाती इस पूरे महीने के लिए की गई है? किस तरह की कोई तैयारी प्रशासन ने की है? देखिए, जिला प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई है, चाहे वो सावन मास की हो या हर हफ्ते पड़ने वाले सोमवार की हो। जिला प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं में और भी लगा हुआ है। कुछ जिले के तमाम जो अधिकारी, चाहे वो आईजी की बात करें, एसएसपी की बात करें, डीएम की बात करें या अन्य मजिस्ट्रेटों की बात करें, बाकायदा सेक्टर और जोनल में पूरे जिले को बांटा गया है। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए बाकायदा पुलिस फोर्स के अलावा, चाहे वो सिविल डिफेंस के अधिकारी हो या बेसिक शिक्षा के विभाग के अधिकारी और तमाम जितने भी डिपार्टमेंट है, लगभग 42 डिपार्टमेंट मेरठ में है, सभी को कावड़ व्यवस्थाएं जो है उन्हें चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी दी गई है। खुद एसीएस गृह अवनीश कुमार अवस्थी और सूबे के डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान मेरठ दौरे पर अभी लगभग 3 दिन पहले आए थे और खुद यहाँ पर उन्होंने जो ऐतिहासिक ओगड़नाथ मंदिर पड़ता है वहां पर पूजा अर्चना की, बाबा भोलेनाथ से मनोकामना मांगी कि जो है ये कावड़ यात्रा सकुशल और भव्य रूप से संपन्न हो जाए। बिल्कुल, तो रुद्राभिषेक का भी इस महीने में काफी महत्व माना जाता है और सावन महीने का हर एक दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं, तो आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सावन के महीने में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना का महत्व है। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक जप इत्यादि कर विशेष फल की कामना भक्तगण करते हैं और सावन महीने का पहला सोमवार आज है और शिव भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव के जयकारे शिवालयों के भीतर गूंज रहे हैं। तो सावन के महीने की शुरुआत और सावन महीने का पहला सोमवार आज है, शिव भक्तों में खुशी और उत्साह नजर आ रहा है। तो सावन के महीने में कई त्योहारों को भी मनाए जाने का विशेष महत्व है और सावन महीने में व्रत का भी विशेष महत्व होता है।